लो जी फड़ लीजिए वो जी तोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम जा रहे हैं जी भाई को वैक्सीन लगवाने बसरूर। तो हाँ जी भाई जी, और किधर किधर जाना है आपने को पता है? भाई अभी तो बसरूर ही लग रहा है, वैक्सीन लगवाने ही जाना है। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं जी बसरूर। पहले चविंडे से पता करेंगे, चविंडे से ना लगेगी फिर बसरूर जाएंगे। लेकिन टारगेट बसरूर का है कि बसरूर से तो 100% लगेगी। एक भाई पीछे भी बैठे हुए हैं, राणा साहब क्या हाल है? और दे भाई की हो रहा अजकल? कुछ नहीं भाई जान, वेले बंदे को पूछोगे की हो रहा है। कल खाने का मजा आया ही कि नहीं? बहुत मजा आया था भाई, बहुत ज्यादा मजा आया था। और आपको कल हमने देखा, पूरा दिन काम करते रहे हैं आप। कल काफी आप थक गए हुए थे जी। नहीं यही बात है। ये इंडिया का टैंक है जो इधर लगाया हुआ है चौंक में, आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी 1965 में छोड़ के भागी हुई है ये टैंक। मुंह भी इसका इंडिया की तरफ कोई है। मुंह भी इसका इंडिया की तरफ ही उन्होंने लगा दिया हुआ है। आज वैसे सुबह सुबह बारिश आ गई है, वो क्या सीन हुआ है? बादल तो कोई बने नहीं थे वैसे भाई। भाई आप फिर रात को ना सोए हो थक के फुल। यही बात है, पूरी रात, पूरी रात यही था कि अभी बारिश होने लगी है, अभी होने लगी है। अच्छा। आपको पता था हम वो बर्थडे कर रहे थे दोस्त की। अच्छा। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, मिनट बाद एक मिनट बाद ना थोड़ा सा बादल होते थे। तो रिम जिम वो ही ना, मैं टाइम से सो गया था, इस वजह से मुझे नहीं पता लगा कि बाहर क्या बन रहा है। तो सुबह फिर बहुत तेज बारिश आई है, बहुत ही तेज बारिश आई है। एसी नहीं काम कर रहा, कूलिंग नहीं कर रहा शायद। तो पीछे देखा तो उस जनाब ने ना शीशा नीचे किया हुआ गाड़ी का, अब ऊपर कर दिए ना। सही है। ये अब हम पहुंच रहे हैं जी चविंडा में। तो इधर तो थोड़ी सी बारिश होती, इधर तो महीना जो है ना पानी नहीं सूख सकता, जो मर्जी हो। ये कितना देख इधर हालत रोड कीचड़ हो जाता है इधर, ये जो है ना सूखने का नाम नहीं लेता। हालत रोड की देखिए भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये हमारे एमपी मैंने के मुंह पे तमाचा है। ये जी अब हम चविंडा हॉस्पिटल आ गए हैं। तो अंदर से भाई गए हुए हैं, मैं अकेला गाड़ी में बैठा हूँ। कह रहे थे मैं ना पता करके आता हूँ, आप गाड़ी में बैठो। ये जी अब हम जा रहे हैं, दोस्त का फार्म है एक मुर्गियों का। तो दे भाई ने मुर्गियां लेनी थी तो हम उधर जा रहे हैं। अब दे भाई कौन सी ब्रीड की लेनी है? एस्टरलोप है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल है वो मुर्गियां। हाँ तो हम उधर जा रहे हैं, देखते हैं उनके पास है भी कि नहीं, उधर जा के पता चलेगा। हेलो तो अब हम जा रहे हैं उधर। हेलो उधर पहुँच के फिर दिखाते हैं आपको कि उनके पास कौन कौन सी ब्रीड है।
ये जी अब हम फॉर्म पे आ गए हैं, ये भाई बैठे हुए हैं, ये राणा साहब भी अपने बैठे हुए हैं, वो गाड़ी पार की है उधर, ये पीछे फॉर्म है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੜੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੜਾ। ਇਹ ਜੀ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਸ਼ ਕੋ, ਇਹ ਸਰਦੀਓ ਮੈਂ ਪਕੜੇਂਗੇ, ਅਭੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਓ ਮੈਂ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कौन सी है ये? एस्ट्रालॉग। एस्ट्रालॉग ये है, जर्मन ब्रीड है, हाईब्रिड की। ये जी जर्मन ब्रीड है, ये 3 माह में 5 किलो 4.5 किलो वजन भी कर जाए, अगर खराब भी रहे देसी से नहीं। तो वो वाला ये आम ही रहता है 1.5 किलो 1.5 किलो। सही है, ये एस्ट्रालॉग है, ये जितने मुर्गी होगी नागा नहीं करती, आने से अंडा देती है लगातार 360 देने से 360। ठीक, ये सारे गोल्डन निकले, इतने जी। माशाल्लाह भाई का अच्छा काम है, 14-15 साल हो गए हैं इनको लगे हुए इस काम में, तो माशाल्लाह इनको प्रॉफिट ही आया है। नुकसान कभी कभी हो ही जाता है, नुकसान भी साथ साथ ही ज़ाहरी बात है, तो माशाल्लाह इनको अच्छा काम है जी। अब हम जाने लगे हैं, जे भाई गाड़ी जो है रिवर्स करके ले जाते हैं, तो साथ लेते हैं कुछ ब्रीड इनसे रखते हैं अपने पास भी। राणा साहब में फड़दे हुए ने वेखो हुण फड़ौंदी भी है कि नहीं। ये जी चूज़ आईडी की मैं रख रही है, ये जी अब हम उस रोड से वापस जा रहे हैं, चूजे वगैरह हमने ले लिए हैं, वैक्सीन उधर से भी नहीं लगी, फिर उस रोड से भी नहीं लगी। ये जी तकरीबन 8 किलोमीटर है चुविंडा से जो है ना पसरूर, तो 8 किलोमीटर के बाद अब हम पसरूर हैं, तो 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके फिर आएगा जी चुविंडा, तो उधर से हम वैक्सीन लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाने के बाद हम गांव वापस जाएंगे।